बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम यही है कि मैं एक चीज़ यूज़ करके कर लिया हूँ, पर उसके बारे में पता नहीं था अच्छे से मेरे को, और अभी वो दिक्कत दे रहा है भाई, बहुत दिक्कत दे रहा है, और मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या करूँ। जो लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर किसी को पता है तो कॉमेंट करो क्या करना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम यही हुआ है मेरे साथ कि क्या करते हैं ना, जो यूट्यूबर लोग होते हैं उनका अकाउंट में रीस पाने के लिए, मतलब रीस अच्छे आए अकाउंट में, सब लोग देख के जाएँ, इसीलिए गूगल एडसेंस का बहुत लोग यूज़ करते हैं। बहुत लोग जिसका थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करने का मन होता है कि थोड़ा व्यूज़ वगैरह आ जाए, जिसको अच्छे से पता होगा उनको पता होगा कि कैंपेन होता है, उससे क्या होता है, आपका कैंपेन करने से आपका वीडियोज़ में रीस वगैरह भी आता है, ठीक है, यही होता है। तो मैंने भी वही किया कैंपेन के लिए, वीडियोस में मतलब पाने के लिए मैं गूगल एडसेंस मतलब ओपन किया, तो साइन इन किया। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेस होता है यूट्यूब देख के, वो प्रोसेस भी कंप्लीट किया। बोला गया कि हाँ 500 रुपये आप डाल सकते हो, स्टार्टिंग अमाउंट 500 ही होता है, गूगल एडसेंस में कम ही नहीं होता। अगर कोई कोई गूगल एडसेंस यूज़ करना चाहते हो और आपको पता नहीं, तो ये वीडियो भी थोड़ा देख लो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ आप लोगों के साथ हो सकता है, तो आप देखो, अगर आपसे लोगों के साथ हो तो आप पहले से ही सतर्क हो सकते हो, ठीक है। तो यही हुआ कि मैंने गूगल एडसेंस यूज़ किया था, एडसेंस तो यूज़ कर लिया, मतलब यूज़ नहीं किया, गूगल अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया 500 रुपये करके, और मैंने क्रेडिट कार्ड से उसको डाला था, क्योंकि मेरे को मेरे अकाउंट में पैसा, जब अभी पैसा थोड़ा घर का पैसा है तो वाले अकाउंट में उसे कनेक्ट नहीं किया, अगर पैसा इधर उधर हुआ तो घर वाले काट देंगे मेरे को। तो हाँ, अभी दिक्कत ये हो रहा है कि जो अकाउंट है मेरा, उसमें 500 तो डाल दिया, पर कैंपेन स्टार्ट भी कर लिया सब देख के, पर थोड़ा दिक्कत आया जिसके लिए कैंपेन स्टार्ट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि आगे कर सकता था मैं, पर कैंपेन स्टार्ट नहीं किया जानबूझ के, कि ठीक है छोड़ो यार, एक एक्सपीरियंस के लिए पैसा डाल दिया था, उसके बाद देखा कि पैसा कैसे निकालते हैं, तो देख लिया वो वीडियो, और मैंने वो कैंपेन को ऑफ करके मैं पैसा वापस करने के लिए जो प्रोसेस होता है क्या, प्रोसेस यही होता है कि आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट होता है गूगल एडसेंस का अकाउंट, आपको अगर पैसा चाहिए तो रिफंड एक्टिवेट कर लो, रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल दो, और आपका जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर लो कुछ दिन के लिए, जब तक वो पैसा नहीं आता। आप अगर पैसा एक बार आ गया तो आप और फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हो वो अकाउंट को, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट को। तो मैंने भी वही किया, पर मेरे को लगा कि हाँ 3-4 दिन 5 दिन में आ जाएगा वो पैसा वापस, चाहिए वो लग रहा था भाई। अभी जाके मैं देख रहा हूँ उनका जो पॉलिसी वगैरह है, वो लिख रहा है कि 3 to 7 weeks, सीरियसली समझ रहे हो, 3 to 7 weeks मतलब क्या है, वहाँ इतना दिन हमसे पैसा आने के लिए, मतलब लगेगा कि 3-4 हफ्ता यार, 1 महीना के पास, ऊपर ज़्यादा नीचे हो सकता है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो वही दिक्कत है मेरे साथ कि मतलब पैसा अभी तक नहीं आया है, अगर पैसा कब आए तो आप लोगों को मैं बता दूँगा, कितने दिन में आया, क्या आया, पैसा जब आएगा वीडियो बना के दिखा दूँगा आप लोगों को।